बाबा मोहन राम के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करने वाले सुनील भगत जी, जिनका जन्म बाबा मोहन राम की सेवा के लिए हुआ, आज हापुड़ में, शक्ति नगर में बाबा मोहन राम गली एक नंबर में बाबा मोहन राम की वो दोज मनाते हैं और हजारों लाखों जातियों की मनचाही करते हैं। आज ये सारे भजन बाबा मोहन राम की सेवा में उनकी तरफ से समर्पित है, जिसमें मेरे साथ मधुर मधुर संगीत मास्टर नीरज शर्मा, बुलंद शहर और ढोलक पर भाई पिंटू और उनके साथी जो पैर बजा रहे हैं साथ के साथ, ये सारे भजन जी एन बी म्यूजिक और खोड़ी भजन यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं और इन भजनों को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई टॉनी गर्ग चुड़ियाड़ा, जो बड़े होनहार और बाबा मोहन राम के चरणों में अपनी आवाज एक बार फिर मैं गौतम भट्टी और श्रीमती निशा भट्टी। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा मोहन राम के सुंदर सुंदर भजनों को शेयर करें और अपनी आस्था बाबा मोहन राम में बनाए रखें, ऐसी कामना है। एक बार जोरदार जयकार कहिए सच्चे दरबार की। सुनील भगत जी हापुड़ वाले बाबा के सेवक प्यारे, अरे माता को सल्ला देवी पिता तिलक राम हुए न्यारे, रे पिता तिलक राम हुए न्यारे। सुनील भगत जी उड़वाड़े बाबा के सेवक प्यारे, अरे माता को सल्ला देवी पिता तिलक राम हुए न्यारे, रे पिता तिलक राम हुए न्यारे। और उनके शिष्य देवेंद्र गोहरा, धर्मपाल चौधरी, देवेंद्र शर्मा, चंद्रभान फौजी, सूरज, रघुराज सिंह, सुनील यादव, जो उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। सुनील भगत जी का जन्म गोहरा गांव में जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ, जिनकी माता कौशल्या देवी और पापा पिता तिलक राम जी, जो 1/8/1976 में बाबा मोहन राम की कृपा से भगत जी अशोक का जन्म हुआ और अपने मात पिता का नाम रोशन किया पहली कली में। क्या बताया, बड़े भाई अनिल कुमार, बड़े भाई श्री नील कुमार, छोटे तो अरुण कुमार हुए और मात पिता की सेवा करते आदर और सत्कार हुए रे। कुमार भगत जी बाबा की भक्ति में साकार हुए और बाबा ने वरदान दिया तो सारे भव से पार हुए रे। चौरानवे में मैं सेवा शुरू की लगे भक्तों के लारे, अरे माता को सल्ला देवी पिता तिलक राम हुए न्यारे, रे पिता तिलक राम हुए न्यारे। जय हो। 1994 में बाबा मोहन राम की सेवा शुरू की और अपने गांव के बूढ़े भगत के यहां आपका आना जाना हो गया। बड़े प्रसन्न चित रहने वाले एक दिन उदास बैठे देखकर पूछा भोले भगत ने कि क्या हुआ। कहा महाराज, अब मेरी नौकरी की उम्र हो गई है, मेरी नौकरी लगनी है। तथास्तु कहकर भगत ने इन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन दुनिया जानती है इनका जन्म तो मानवताओं की सेवा के लिए हुआ था। क्या लिखा,
भगत के यहाँ 18 साल के जाया करते, और बाबा की भक्ति में अपना तन मन लाया करते रे। बीटा गांव के अशोक भगत सतपथ दिखलाया करते, रघुरु बनाए अशोक भगत तन मन से मनाया करते रे। दो हजार बारह में गुरु भगवान को हो गए प्यारे, और माता को सल्ला देवी, और तिलक राम पिता न्यारे रे हुए, तिलक राम पिता न्यारे। कहते हैं जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। 1996 में आपकी शादी बाबा मोहनराम के चरणों में मगर रहने वाली अनुपम देवी से हुई, आपकी नौकरी भी लग गई। और एक बार सुनील भगत जी भंडारा करने के लिए गए थे तो मेहर हो गई और 2012 में गुरु का स्वर्गवास हो गया। 15-2-2013 में प्रकाश भगत जी के कहने से मंदिर की स्थापना की और ज्योति को पैदल लेकर बाबा मोहनराम के धाम से हापुड़ में आए। क्या बताया, पंद्रह दो तेरे में तो प्रकाश ने वचन सुनाया, रे मंदिर बनवा दिया हापुड़ में, हे बाबा तेरी माया देखी। घोड़ी से पैदल ज्योति प्रकाश कराया, रे बाबा की करनी ऐसी, हर कष्ट से उन्हें बचाया रे हर। चमत्कार हो गए शुरू दुखियों के करे निसंदारे, और माता को सल्ला देवी, पिता तिलक राम हुए न्यारे हो, पिता तिलक राम हुए न्यारे। एक्सीडेंट में बड़ी मुश्किल आप लोग बचे, जब आप लोग सुकरतार से जल लेकर काशी विश्वनाथ के लिए जा रहे थे और आपने एक गूंगे बच्चे को जवान दे दी, ये बाबा मोहनराम की बड़ी कृपा है। आपने मोहनराम के मंदिर में शिव का वास कराया, हजारों लाखों लोग आपकी वजह से मोहनराम के चरणों में लगे, हर शुक्रवार में जल लाकर काशी विश्वनाथ को चढ़ाते। 4 महीने पहले बाबा ने फिर परीक्षा ली और 27-10 में सफारी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। आइए क्या लिखा, क्या बताया। शिव शंकर का वास करा के भक्ति दई निभाई, रे एक बालक जो बोले ना था उसकी जुबा फुलवाई रे बाबा। आठ दो अठारह से एक नई प्रतिज्ञा ठाई, हर शुक्र ताल पे चलेंगे हो जमन की चाहिरे बाबा।
से काशी लाकर जल गंगा से काशी विश्वनाथ पे चढ़ारे रे माता को सल्ला देवी पिता तिलक राम में हुए न्यारे ओ पिता तिलक राम में हुए न्यारे लेकर भोले शंकर को चढ़ाते हैं और 400 भगत लेकर हरपते जाते हैं बाबा मोहन राम के ऐसे सेवक अशोक भगत जी हापुड़ से। आज उनका नाम बड़ी दूर दूर तक जाना जाता है। अब 1 जनवरी 28 तारीख 2018 से अन्नकार जल का त्याग किए बैठे हैं और यह तपस्या 9 तारीख फरवरी 19 में संपूर्ण होगी जब बाबा मोहन राम का जागरण गौतम भाटी और पार्टी हापुड़ मंदिर पे करेगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं बाबा मोहन राम के इस विशाल जागरण में और इस कार्यक्रम को आप GNB म्यूजिक और खोड़ी भजन के माध्यम से YouTube पर देख सकते हैं। और आइए चौथी कली में क्या बताया क्या लिख दिया। बाबा बोलन लई परीक्षा 27-10 में भारी रे एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का रोवे थे नर नारी हो सारे हार नहीं मानी फिर भी न चोट किसी के यारी अरे 400 भगत ले साथ सुनील भगत ने कर दी तैयारी रे रे गौतम भाट सुनील भगत रे गौतम भाट सुनील भगत का बाबा साथ निभा रे रे माता को सल्ला देवी पिता तिलक राम में हुए न्यारे हो पिता तिलक राम में हुए न्यारे सुनील भगत जी हापुड़ वाले मोहन के सेवक पे